कुछ लोग जो है आजकल राम अपने बन जा रहा है, पता है ना। कुछ लोग कह रहा है कि नीतीश बाबू आप दशरथ हैं, और कुछ लोग अपने आप को राम कह रहा है। अरे हम तो यही समझते हैं कि बिहार के पिछड़ों का रावण कौन है, बिहार में रावण कौन है। तो टूजी वाले लोग जो रावण बने हुए हैं, बिहार के पिछड़ों का विरोधी वही है, अति पिछड़ों का विरोधी वही है। बिहार में यदि लालू जी को कहीं खड़ा कर दिया जाइए तो अति पिछड़ा और दलित ऐसा ही भाग जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर एक बार फिर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू परिवार रावण का प्रतीक है, जो रावण का प्रतीक है वो राम को कहां से मानेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पहले सुनवाते हैं आपको। और ठीक कहा अरुण जी, लोगों को बहुत जगह चिंता होगी, कष्ट होगी, लोगों से हो सकता है मुलाकात भी नहीं हो, लेकिन आपको अंधा प्यार करना होगा साथियों। और अंधा प्यार कीजिएगा, इतना गारंटी जरूर देता हूं, इस बिहार को समृद्धि की ओर ले जाऊंगा। और जो हमारे बेरोजगार साथी घूम रहे हैं, एक एक व्यक्ति को चुनकर रोजगार देने का काम भाजपा और एनडीए की सरकार की, कोई छूट नहीं सकता। क्यों छूटेंगे, हमको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है, और ये तब तक नहीं बन सकता जब तक बिहार के एक एक लोग गरीबी से बाहर आए, समृद्ध हो, रोजगार मिले। हमको होल्ड टाइमर पॉलिटिशियंस माना जाता है कि बिहार के लोग से पूछते हैं किसी पॉलिटिकल वर्कर से कि आप क्या करते हो, तो कहेगा 100% पॉलिटिक्स करता हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई धंधा नहीं रहा, कोई काम नहीं रहा। लेकिन अब बिहार को बदलना है, और बिहार तभी बदलेगा जब हम समृद्धि नीचे में उद्योग के चीजों को खड़ा करेंगे। एक एक सेक्टर बांटिए, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कीजिए, कोई आर्थिक तौर पर समृद्ध होना चाहते हैं उसको काम करना पड़ेगा। कोई ठेकेदारी करता है, कोई रोजगार करता है, कोई उद्योग लगाता है, लेकिन चीजें खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए साथियों, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि मैं तो अपने आप को राम का वंशज मानता हूँ, कि भगवान राम के दो पुत्र हुए लव और कुश, और लव कुश समाज से हम आते जरूर हैं, लेकिन क्योंकि देखिए इस बिहार को बनाना है, और आपका जो थीम है शिक्षित स्वस्थ और सुरक्षित बिहार, तो लव कुश तो प्रभु श्री राम जो उनके सगे पिता थे, ये पूरा रामायण जब आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि जो आदर्श प्रभु श्री राम ने दिया वो धरती पे कोई नहीं दे सकता है। उनके सगे पिता ने प्रभु श्री राम को, सगे पिता ने कहा कि आपको वनवास जाना है, और वनवास जब गए तो दुनिया का कल्याण किया। और बेटा को जब लगा कि मेरे माता के साथ अन्याय हुआ, तो लव कुश ने राजा राम के खिलाफ भी धनुष उठाने का काम किया था साथियों। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि वैसे तो 400 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर भव्य राम मंदिर में आए, कोई नहीं लाया। 400 वर्ष के बाद मैं प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह देश में गरीबों को पक्का मकान दिया, उसी तरह प्रभु श्री राम को भी भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया। इसलिए कुछ लोग जो है आजकल राम अपने बन जा रहा है, पता है ना। कुछ लोग कह रहा है कि नीतीश बाबू आप दशरथ हैं, और कुछ लोग अपने आप को राम कह रहा है। अरे हम तो यही समझते हैं कि बिहार के पिछड़ों का रावण कौन है, बिहार में रावण कौन है।
तो 2G वाले लोग जो रावण बने हुए हैं, बिहार के पिछड़ों का विरोधी वही है, अति पिछड़ों का विरोधी वही है। बिहार में यदि लालू जी को कहीं खड़ा कर दिया जाइए तो अति पिछड़ा और दलित ऐसे ही भाग जाएगा। तो भी आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी किस प्रकार से लालू फैमिली पर एक बार फिर हमला बोल रहे थे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो रावण के प्रतीक है और राम को कहाँ से मानेंगे। और भी क्या कुछ कहना था सम्राट चौधरी का आपने सुना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।